अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां योगी सरकार की तरफ से हम दो हमारे दो का मसौदा तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई तरह से कवायद चल रही थी, जिसको लेकर अब ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार अब जल्द ही विधेयक लेकर आएगी। तो यूपी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हम दो हमारे दो का मसौदा कल यहां ड्राफ्ट तैयार किया गया। ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी का किसी भी तरह का तो यूपी से खबर आपको बता रहे हैं जहां कल देर शाम हम दो हमारे दो का मसौदा तैयार किया गया। ज्यादा बच्चे होंगे तो कोई भी सरकारी लाभ यहां नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकार जल्द ही विधेयक भी लेकर आएगी, और ये लंबे समय से कवायद चल रही थी जनसंख्या नियंत्रण यहां लाने की, और उसको लेकर अब यूपी सरकार यहां पर सख्त होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब हम दो हमारे दो का मसौदा भी यहां तैयार कर दिया गया है। तो यूपी से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हम दो हमारे दो का मसौदा तैयार यहां किया गया है, और इसके साथ ही ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। फोन लाइन पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी जुड़ गए हैं। गीत जी, यूपी में हम दो हमारे दो का मसौदा यहां तैयार कर दिया गया है, तो अब इस ड्राफ्ट में ये भी कहा जा रहा है कि अगर 200 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, इसके अलावा किस तरह की जानकारी? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार प्रदेश और देश की सरकारें इस बात पर लगी कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, लगातार इसके लिए सरकारी योजनाओं के कई बार जो है स्लोगन्स एक तरह से प्रचारित प्रसारित किए गए, लेकिन उसका अमलीजामा नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं स्मरण करा दूं कि योगी ही सरकार ने पहले धर्म स्वतंत्र विधेयक लाई थी, उसके बाद अन्य राज्यों में हुआ, उसके बाद मध्यप्रदेश में तो खैर कानून बन गया। लेकिन अगर ये जो जनसंख्या नियंत्रण पर जो योगी सरकार की जो योजना है, अगर ये लागू की जाती है, तो मुझे लगता है कि जो लगातार सरकार के प्रयास है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके और जिसमें विकास कार्य में बाधा नहीं आएगी, मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में अनूठी पहल होगी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जनसंख्या बढ़ी हुई है उसको देखते हुए, क्योंकि 23 करोड़ के आसपास की वहां जनसंख्या है, उस आधार पर ये मुझे लगता है योगी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय होगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां यूपी में अब हम दो हमारे दो का यहां पर मसौदा तैयार कल कर दिया गया, और इसके साथ ही अब ज्यादा अगर बच्चे किसी के होंगे तो उन्हें किसी भी तरह का कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कई समय से लंबे समय से कवायद चल रही थी, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही विधेयक लाने की तैयारी में भी जुट गई है।